आप समस्त संसार से अपनी पीड़ा छुपा सकते हैं महादेव, परंतु अपनी शक्ति से नहीं। मैं जानती हूं आप ब्रह्मदेव और नारायण से कितना प्रेम करते हैं। जब आपने ब्रह्मदेव का सर काटा था तब भी आप ऐसे ही व्यथित थे। संसार में सब अपनी पीड़ा आपके समक्ष रखते हैं महादेव, और आप अपना दुख केवल अपने भीतर। की व्यथा समझती हूँ महादेव। नारायण को पाषाण बनता देख कितनी पीड़ा हुई होगी आपको, परंतु अब इस समस्या का समाधान आपको ही करना होगा, आपको ही करना होगा, आपको ही करना होगा। गुरुदेव, शुंभ ने शुंभ को नमुची की मृत्यु का शोक मनाने देते और हम चलकर तुलसी को शंख चूर के अंतिम संस्कार के लिए मनाते हैं, और फिर पाषाण बने नारायण को उठाकर सदा सदा के लिए असुर लोक में बंदी बना लेते हैं। तिथि और शुक्राचार्य पाषाण बने नारायण को बंदी बनाने आ रहे हैं, और यदि वो इस कार्य में सफल हो गए और नारायण को बंदी बनाकर असुर लोक ले गए तो उन्हें कोई नहीं छुड़ा पाएगा। ये वरदान है असुर लोक को, और महादेव यदि अभी आपने कुछ नहीं किया तो नारायण का अस्तित्व सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। नहीं देवी, मैं नारायण को समाप्त नहीं होने दूंगा, समाप्त नहीं होने दूंगा, समाप्त नहीं होने दूंगा। महादेव, तिथि और शुक्राचार्य पाषाण बने नारायण को बंदी बनाने आ रहे हैं, बंदी बनाने आ रहे हैं। इसी लोहे की बेड़ी से पाषाण बने उस नारायण को बांधकर असुर लोक ले जाएंगे। महादेव, यदि अभी आपने कुछ नहीं किया तो नारायण का अस्तित्व सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो जाएगा। मैं नारायण को समाप्त नहीं होने दूंगा, समाप्त नहीं होने दूंगा। उस समय तुलसी की पीड़ा, क्रोध और न्याय आवश्यक था। परंतु महादेव, आप नारायण को सामान्य कैसे करेंगे? देखिए,
कार्तिक कैसे उलझे हुए धागों को सुलझाने का प्रयत्न रोज और शीघ्रता में कर रहा है और सब कुछ और उलझे जा रहा है। महादेव ने मुझे यूं ही उलझा दिया। जब भी जीवन में परिस्थितियां अत्यधिक उलझ जाएं, तब उन्हें धैर्य और संयम से सुलझाना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए कि उन परिस्थितियों को सुलझाने के प्रयत्न में कोई संबंध ना टूट जाए, किसी के भी साथ कोई अन्याय ना हो जाए। और इसलिए मैंने तुलसी से उस समय कुछ नहीं कहा। यदि मैं उन्हें उस समय श्राप मुक्त करने का आग्रह करता तो अन्याय होता, देवी तुलसी के साथ छल होता। किंतु अब जब देवी तुलसी स्वयं रहेंगी तो अन्याय नहीं होगा। बिना कुछ टूटे सब कुछ सुलझ जाएगा। परंतु महादेव, देवी तुलसी स्वयं श्राप देकर ऐसी बात क्यों कहेंगी? और यदि उससे पहले पाषाण बने नारायण को असुर असुर लोक ले गए तो देवी तुलसी के कहने पर भी कुछ नहीं होगा। असुर नारायण को कहीं नहीं ले जा पाएंगे देवी, और देवी तुलसी स्वयं नारायण को श्राप मुक्त करेंगी, श्राप मुक्त करेंगी, श्राप मुक्त करेंगी, श्राप मुक्त करेंगी। चलिए देवी, नारायण और तुलसी के पास, वहीं जाकर सारे उलझे धागे सुलझ जाएंगे। देवी, इस प्रकार मत रोइए देवी, शांत हो जाइए, सब ठीक हो जाएगा।